अच्छा, एप्पल नहीं भी पर काफी दूर दे फिर रखे हैं आपके लिए, कुछ जी बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि शरिया के हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है, इंडिया में लड़की और लड़कियों को जो माँ बाप की विरासत में जो प्रॉपर्टी आती है, जो भी उनका हिस्सा बांटा जाता है, तो उस हिसाब से भी जो है वो इक्वली नहीं बांटा जाता लड़की और लड़कों के बीच में। एक्चुअली हाँ माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा जो है वो लड़कियों में दिया जाता है, लड़की या लड़कियां। दो हिस्से जो है वो लड़का या लड़कियों को दिया जाता है। और ओके, उसके मान लीजिए आई एम बावजूद, गोना गो, माय बैटरी, फोन्स बैटरी इज गोना डाई. उसके बाद भी जो टॉकिंग टू यू, है, थैंक हाँ यू सो मच. बाय जी, बाय. थैंक यू, बाय जी, उसके बोलिए. बाद भी जो है लड़कियों को पूरी तरह से मिलता नहीं वो, उनको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है भाइयों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर। वो ये जो तो बोलते समाज हैं वो उसी के की हिसाब से इतना उतना लेकर जो है वो साइड हो जाते हैं। तो मेरे जो रिलेटिव्स है आजू बाजू, मैंने जितने मेरे एक्सपीरियंस में देखा हुआ है, इस तरह ही मिलता है। जो लड़कियों को जो है, लड़के जो है पूरा ये अपने कब्जे में करके जो है वो बैठ जाते हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी वगैरह जो है। तो मैंने इस तरह ज्यादा देखा अगर हुआ है। बात हो एप्पल जी, बात वही आती है ना कि एक लॉ होना चाहिए या कोर्ट, और ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए. यहाँ पे जितना मुझे पता है, जितनी औरतों को मैं जानती हूँ, मुसलमान औरतों को, वो तो रेगुलर कोर्ट के थ्रू जाती हैं, क्योंकि भाई हाँ शरिया इंडिया के थ्रू आप में जाओगे, डिवोर्स होगी या जो भी होगा तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा, वो रेगुलर कोर्ट के ऊपर जाते हैं. मगर नहीं, एक ऐसा कोर्ट केस आया था, सुनिए ये केस सुने, यूएस का था, ये टेक्सिस का केस था. तो जी बंदे ने शादी से पहले उस बंदी से प्रिनपचुअल अग्रीमेंट करवाया कि अगर हमारी तलाक होगी वो शरिया के थ्रू होगी. अब प्रिनपचुअल अग्रीमेंट ऐसा होता है कि यूजली लोग करवाते हैं कि भाई ये हमारी जायदाद में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, या इतना परसेंट मिलेगा. एक अग्रीमेंट हो जाता है शादी करने से पहले कि जब तलाक होगी तो ये होगा. तो वो जब कोर्ट में लेके गया तो ये यूएस के कोर्ट ने उसके प्रिनपचुअल अग्रीमेंट को हेल्ड किया, एक्सेप्ट किया, और उस बंदी को कहा नहीं, तुम वाकई तुम शरिया कोर्ट में ही जाकर तलाक ले सकती हो, मैं कुछ नहीं कर सकती. ये टेक्सिस के कोर्ट में हुआ था, तो वो बंदी लड़ रही थी उस चीज पे. अब मुझे पता नहीं इस केस का क्या हुआ, मगर आप देख रहे हो कि लोग कितने चालाक हैं, किस तरीके से उसने उसको घेरा. बी ऐसा केयरफुल यार, बी केयरफुल. ही एक केस इंडिया में हुआ था, साहबानू का केस। कभी गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, साहबानू का केस राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। तो हाँ ये बहुत सुप्रीम फेमस कोर्ट ने केस है। उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल भी दिया कि तुमको इतना इतना पैसा उसको देना है। तो हिंदुस्तान के सारे मुल्ले खड़े हो गए थे और राजीव गांधी को दिल्ली की संसद से वो जो लॉ था उसको कैंसिल करवाना पड़ा था। और उसके बाद में जाके ये अयोध्या का और बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया और उसके बाद में ये पूरा कांड चालू हुआ। वो साहबानू का केस था, उसका भी तलाक का ही मुझे केस उसके था बारे में पता नहीं है इतना, मैं देख लूंगी, मुझे पता नहीं जी। उसकी. वो बहुत बहुत फेमस केस है वो।